ओ भाई फैशन भाई, कहाँ जाने की घाई है। कैसे दिखाऊं मैं आपको। Touchdown, Mumbai, baby. New place, new city, I'm fly, baby. I'm in India, baby, come ride with me. You know I ride with you, that's what you saw to me. Sitting in a bar with a Bollywood star, smoking a cigar. She listen to my songs, so she loving the guitar. Ain't waking up to no alarm. Girl from Delhi, she been loving my charm. I'm like, baby, what's the plan? On the beach in his wavy full of sand. Hello and welcome back to another motor vlog, guys. So, कैसे आप सभी लोग, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम टू द अनदर न्यू मोटो व्लॉग। सो आज तुम्हारा भाई जा रहा है काम पे, सीधा हमारे केरी से पंजिम जा रहे हैं। तो आपको हम बीच बीच में थोड़े थोड़े रास्ता दिखाएंगे कि क्या कुछ कैसे रास्ते हैं हमारे यहाँ पे। सो स्टे ट्यून रहना वीडियो के अंदर। बस मांगता हूँ कि अच्छे से रिकॉर्ड हो और कुछ नहीं, आपको अच्छा कंटेंट मिले। सो चलो गाइस, ये यहाँ का भाई मंदिर है, मंदिर। ये रोड तो आपने अभी तक देखा नहीं होगा मेरे व्लॉग पे, इसलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ से हम इंट्रो स्टार्ट करें ताकि वो रोड आपको देख देख के बोर ना हो। सो यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा माशेल से होकर पंजिम डायरेक्शन में। सो चलो मिलते हैं हम आगे। सो ये रोड है ना गज, तो ये रोड ना हमारे गांव से पूरा अंदर से जाता है, पूरा घूम घूम के। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ से आपको मतलब कोई भी ट्रैफिक वगैरह नहीं लगने वाले है। अगर मेन रोड की बात करूँ तो भाई बहुत सारी ट्रैफिक होती है वहाँ पे, तो दिमाग ना पूरा हिल जाता है ट्रैफिक से। सो इसलिए हम से ज़्यादा हम यहाँ से ही आते हैं। यहाँ केरी गाँव है हमारा। सो केरी गाँव से हम बीच में से निकल जाते हैं, पहुँच जाते हैं सीधा ओल्ड गाँव। सो ये बहुत ऐसा है कि ये घाट सेक्शन जैसा है, आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि रोड कैसा है। एकदम जैसा घाट सेक्शन होता है ना, बहुत छोटे छोटे रोड टर्न्स, लेफ्ट राइट, बहुत गोल गोल वैसे टर्न्स है यहाँ पे। और हाँ, लास्ट वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से जाके देखना। और अगर आपको इस बाइक का स्पेशली रिव्यू चाहिए तो हमको ज़रूर बताना ताकि हम आपके लिए रिव्यू बना सकें, ठीक है दोस्तों। अगर आप बोलेंगे तभी तो मैं कर पाऊँगा, अगर आप कुछ कमेंट में ना ही बोलो तो मतलब क्या मैं अकेला वीडियोज़ ही करूँ। सो कमेंट सेक्शन भाई ज़रूर में कुछ कमेंट करो कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती है मेरी आजकल की, और क्या हम इसी चैनल को अभी आगे कंटिन्यू करें और मेरे ओरिजिनल चैनल पर मैं वीडियोज़ डालूँ। सो ज़रूर से बताना। बाय द वे मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ बिकॉज बहुत काफ़ी डर लग रहा है मुझे इन दिनों में। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत बढ़ गए गोवा में, हर रोज़ मतलब 4 से 6 मतलब 10 11 ऐसे हर दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और पिछले दिन परसों मेरे सामने मतलब एक्सीडेंट हुआ है। सो यार बहुत डर तो लगता ही है इंसान को एक्सीडेंट से, और वो बंदा मतलब एकदम ऑन द स्पॉट भाई चला ही गया मतलब। सो ऊपर से बहुत छोटा रोड है, अगर रात का टाइम होता तो यहाँ से अच्छा होता है बिकॉज जो सामने से गाड़ियाँ आती है वो आपको पता चलती है, पर यहाँ से दिन होता है तो को तो पता ही है कि हमको कैसे समझ में आएगा कि गाड़ियाँ तो आएगी, बिकॉज बहुत सारे बंदे हैं जो हॉर्न वगैरह नहीं मारते हैं। मैं नहीं मारता भाई हॉर्न, बीच बीच में मार देता हूँ। देखा ये रोड कैसा है, एकदम मस्त ना। यहाँ पे ना पूरा ठंड ठंड होता है बिकॉज झाड़ियों से, यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं इसलिए यहाँ का वेदर बहुत ही, हर रोज़ किसी भी दिन आ जाओ यहाँ पे आपको बहुत ठंडी लगेगी। ऊपर से मैंने राइडिंग जैकेट पहना है तो अभी भी मुझे ठंडी लग रही है। सो जो अब हम पहाड़ जो गाइस पीछे चढ़े थे ना, तो अब हम नीचे आ रहे हैं पहाड़ से। तो यहाँ से माशेल एरिया अब स्टार्ट होती है, वहाँ का व्यू देख सकते हो राइट में भाई, क्या व्यू है। ये कौन सी गाड़ी है भाई, यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, आप एक ब्रिज वगैरह सब दिख रहा है, वो वैसे आमोना का ब्रिज है।
वैसे वहाँ से तो हम जाएंगे तो नहीं, अगली बार जब भी मैं जाऊँगा वैसे वहाँ से ना योगेश के घर वगैरह पहुँचते हैं हम, योगेश विजार्ड के घर तक। तो देखो जब भी हम जाएंगे वहाँ पे आपको हम ज़रूर दिखाएंगे व्लॉग में पंजिम एरिया कैसी है। बाद में हम जाएंगे मीरामार में, मीरामार पे मैं काम करता हूँ, समझ गए आप। तो इतनी दूर मुझे आना पड़ता है हर रोज़। तो हमारे घर से लगभग पंजिम में आई थिंक 33 किलोमीटर की दूरी है पंजिम को। तो हर रोज़ हमको अप डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ से हमको जाना है राइट की दिशा में। अगर अंदर से गए तो हमको ट्रैफिक लग सकते हैं, ऐसे आपको ऐसे सीधा आप चले गए ना गाइस। सो अगर आप कैसे सीधा जाएं तो आप माशेल के बाज़ार में पहुंच जाओगे। पर हमको तो बाज़ार को तो जाना नहीं, वैसे माशेल का अंदर का रोड है ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे भाई बस स्टैंड है मेन माशेल का, हमको जाना है राइट साइड में। अच्छा बंदा है, वेरी गुड, ऐसे बंदे होने चाहिए भाई जो हमको डायरेक्शन दे दे कि आप चले जाओ। आज भी देखेंगे अगर छपरीज मिले तो। वैसे छपरीज ना इन दिनों में मुझे कुछ दिख तो नहीं रहे, यहाँ पे कॉलेज साइड है तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक दो तो मिल ही जाएंगे अगर होंगे तो। कॉलेज साइड में वो ज़्यादा होते हैं छपरी लोग, इनको ही ना। तो यहाँ पे ना गाइस कॉलेज है, खांडोरा कॉलेज, खांडोरा ही नाम है ना इसका, हाँ शायद खांडोरा ही। या ये लेफ्ट साइड में एक कॉलेज है यार। आज वैसे राइड करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि रोड पे कोई है ही नहीं। आज ब्लॉग करते समय साला क्या बोलूँ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखो यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो शूटो लेने आते हैं। इस ब्रिज पे और नज़ारे तो भाई ओ माय गॉड, नज़ारे देखो तो मस्त वाले यार बस। अरे यार छी हट, यही तो नहीं चाहिए था भाई मुझे, अब रुकना पड़ेगा लाइन को। हट यार छी छी, ट्रैक मिल जाता है आपको यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है, लेफ्ट से अगर गया तो अच्छा होगा। ये लोग तो जाएंगे नहीं आगे, हमको ही जाना होगा। अब यहाँ पे ना एक बड़ा टास्क है हमको गाड़ी निकालने को, ऊपर से सनलाइट आ रही है यार, सीधा मेरे आँखों के ऊपर पड़ रही है डैशबोर्ड से। ओके भाई रुको भाई, पैशन भाई कहाँ जाने की घाई है। ओके निकल गए, देखा आपने ये था रेलवे क्रॉसिंग। अच्छा हुआ कि आपको भी देखने को मिल गया रेलवे क्रॉसिंग, इस ट्रैफिक से मैं निपटता हूँ और आपको आगे मिलता हूँ ठीक है, सीधा ओल्ड गोवा पे। तो फाइनली गाइस वी आर इन ओल्ड गोवा नाउ, हम पहुँच गए हैं ओल्ड गोवा में। अरे अरे भाई भाई वो जैन वाले इसको टोक देता अभी, पूरी दुनिया में ये फेमस है, गोवा में है सबको मालूम है या पता नहीं मेरे को, पर यहाँ का एक ऐसी स्टोरी है, स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं है, देव मतलब भाई भगवान है ना जीसस क्राइस्ट, तो इनकी बॉडी ना यहाँ पे होती है आई थिंक लेफ्ट साइड या राइट साइड में, भाई मैं ही भूल गया, छोड़ो छोड़ो बस ये रखो याद रखो कि यहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई है जीसस क्राइस्ट की। सो ये है ओल्ड गोवा, तो काफ़ी सारे जो लोग है वो यहाँ पे आते हैं फेस्ट टाइम पे, वो शायद दिसंबर में होता है थर्ड या ऐसा कुछ दिसंबर में होता है वो, काफ़ी सारे लोग आते हैं भाई यहाँ पे और इतनी यहाँ पे भीड़ होती है ना गाइस, ओ माय गॉड, तो आपको चलने को भी मतलब जगह नहीं होती है, इतनी सारी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ होती है। अरे अरे भाई ये देखा देखा स्प्लेंडर, भाई स्प्लेंडर वाले ना यहाँ इन दिनों में बहुत उछल रहे हैं,
पता नहीं इनको क्या हुआ है स्प्लेंडर बॉयज को। ओए स्प्लेंडर बॉय भाई, आज चाय में क्या खाया तुमने? गाड़ियाँ तो भागती नहीं है भाई, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से इनको मालूम नहीं है। यहाँ से व्यू देख लो गाइस, पूरा समुंदर, सही समुंदर, पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ना गाइस ये देखो, आपको मुझे मालूम नहीं आपको दिख रहे है क्या, लेकिन कैसे दिखाऊँ मैं आपको, छोड़ो छोड़ो, ये समुंदर देख लो तुम, पूरा का पूरा समुंदर ही है गाइस अब रोड के साइड में। वैसे हम जा रहे हैं पणजी मीरा में, तो पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा बाय द वे, अगर आपको नहीं मालूम है। और जो भी मतलब गोवा के बाहर से आप लोग देख रहे हैं, तो पणजी में एक ऐसी सिटी है ना जहाँ पे बहुत सारे फिल्म्स वगैरह बनती है, जैसे गोलमाल भी बनी है, बाद में सिम्बा भी बनी है। वो सिम्बा का तो सीन आपको मुझे पता नहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं गोलमाल को आपको वो ज़रूर दिखाऊँगा, जहाँ पे गोलमाल मूवी शूट हुई थी, पहली पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ चलो भाई चलो, बुलेट वाले साले, मुझे बहुत गुस्सा आता है बुलेट वालों पर, पता नहीं मेरे को क्यों आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, दोनों साइड घर ही घर है और बीच में से रास्ता गया है भाई। घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी भाई, मतलब अरे भाई पूरे 24 आवर्स भाई इनको नींद ही नहीं आती होगी। चाचा जी साइड में रहो थोड़ा, हमको भी जाने दो, हमको जाना ही नहीं दे रहे भाई, साइड में रहो। सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस रास्ते से ना आपको मतलब पणजी की ब्यूटी देखना स्टार्ट हो जाएगी। अभी सामने मेरे एक बहुत बड़ा पुल दिख रहा होगा, मुझे मालूम नहीं कि अब कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। सो ये रोड ऐसा है ना, ये समुंदर के बीच से गया हुआ एक रोड, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे। देखो ये रोड, और ये रोड पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट टू पणजी, सीधा आपको मतलब पणजी एरिया में लेके जाएगा। तो साइड में है समुंदर, लेफ्ट में भी समुंदर, बीच में से आपको ये रोड है। यार क्या धूप लग रही है, ये सीधा ना स्पीडोमीटर के ऊपर पड़ के सीधा मेरे थोबड़े पे आ रही है यार, मेरी आँखों पे, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है मेरे को। आपको अब दिख रहा होगा राइट में हमारे बहुत एक बड़ा ब्रिज है, एज कैन यू सी, ये है अटल सेतु, गोवा का पहला बहुत बड़ा ब्रिज, ठीक है जय। वैसे लेकिन टू व्हीलर्स को गाइस अलाउड नहीं है, जो भी गोवा में आएंगे अभी टूरिस्ट लोग, और जो भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो ध्यान में रखो टू व्हीलर्स आपको उस ब्रिज पर अलाउड नहीं है, जो कि वो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा बहुत ही लंबा, सॉरी बहुत ही बड़ा, वहाँ पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। और जाने की कोशिश भी मत कर रहा, अगर आप पकड़े गए ना तो आपको मतलब बहुत झटका लगने वाला है, ठीक है, बहुत फाइन है। अब कितनी फाइन है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपका भाई बजट तो चला ही जाएगा, पूरा घर ही चला जाएगा इतना बड़ा। तो अगर आपके पास फोर व्हीलर है वगैरह है ना, तो आप जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टू व्हीलर वालों को भाई जाने नहीं देते वो, ताकि ऊपर वो जो विंड होती है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई विंड को, वो बहुत होती है, अगर आप ऊपर भी चले गए तो आपकी बाइक पूरी विंड से वो हिलने लगेगी। देखा बहुत बड़ा है ना, ओहो टू व्हीलर आ रही है, उसको आने दो भाई, बेकार में उसको भी हम संकट में डाल डाले। तो यहाँ से हमको सीधा राइट पे लेना है, अगर आप इसे सीधा चले जाओगे ना तो आप ब्रिज के ऊपर से जा सकते हो, छोटे वाले ब्रिज पे, बड़े नहीं। तो अगर स्ट्रेट जाना है तो इस साइड में क्यों रहते हैं भाई, उस साइड में रहो ना। सो ये गाइस रोड है ना, ये मैं आपको क्लिप डाल लूँगा, यहाँ पे गोलमाल 1 की शूटिंग हुई थी, जो स्टार्टिंग में जो गोलमाल में दिखा है ना वो बाइक लेके घूमते हैं। लगाए हुए हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गोवा इन पणजी,
तो काफ़ी अच्छा लगता है पणजी में। राइट साइड में बहुत आपके साथ कैसिनोज है, बाद में रोड, मतलब एकदम पुर्तगीज टाइप का अभी तक यहाँ पे रखने की ट्राई की है। पूरा कैसिनोज है राइट में, राइट में लेफ्ट में पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज भी आपको दिख जाएगा, वो अंदर है डोमिनोज। वैसे यहाँ पे मेन चर्च है ना, सिम्बा वगैरह मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पे। तो ऐसे आप अगर पेट्रोल पंप से आप यहाँ से गाइस लेफ्ट लेते हो ना, यहाँ से लेफ्ट लेते हो ना गाइस, तो आप पहुँच जाओगे वहाँ चर्च पर, सीधा चर्च पे पहुँच जाओगे, ठीक है। सो ये है बिग डैडी कैसिनो, राइट में आप देख सकते हो। ओ भाई, अब ये रोड सीधा जाता है मीरामार में। सो अब हम जा रहे हैं मीरामार, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। सो यहाँ का गाइस आप व्यू देख लो, तो लेफ्ट में आइनॉक्स सबके। अरे भाई साहब ये क्या है भाई, अरे 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 अरे, क्या नज़ारा है ना यहाँ पे, एकदम जोड़ वाले भाई एकदम। चलो चलो यार, इन पापा की पूरी साली कैसी चली गई भाई साइड से। यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ना गाइस बहुत बड़ी मुझे डर लगता है, ताकि ये साइड से अगर जाते हैं ना तो आवाज़ भी नहीं आती यार इलेक्ट्रिक की। सो यार गाइस हम पहुंच चुके हैं मीरामार बीच पे और मीरामार एरिया में। सो अगर आप राइट साइड में आप देखोगे सर्कल के राइट साइड में, तो आपको बीच एक दिखाई देगा, लेकिन हमको जाना है लेफ्ट में। सो राइट में है पूरा ब्रिज, बीच आई मीन। चलो गाइस मिलते हैं हम बाद में, ठीक है। Hopping in a rickshaw, ain't hopping in no cab. On a date with your girl, I said put it on my tab. Met a girl and she looking like Bianca. She looking good, but I don't know if I want her. She been telling me that when she with me, she feeling nirvana. Said she love my music.